वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. सबसे पहले तो बताइए कि अब तक जितने भी आप जब से शो में ज्वाइन हुई हैं एंड जितने भी बर्थडे बनाए, इन्होंने आपके लिए बर्थडे कितना स्पेशल बनाया राजन सर ने? बर्थडे स्पेशल है क्योंकि अनुपमा है, नहीं तो इट यूज़ टू बी अ सिंपल बर्थडे एट होम विद फैमिली एंड फ्यू क्लोज फ्रेंड्स. बट अब जब आई एम लाइक अ चाइल्ड, आई लव बर्थडेज, मुझे बहुत मज़ा आता है मेरा बर्थडे होता है तो यहाँ पर आने के बाद सेलिब्रेट करने का, इस तरह से आप सबके साथ एंड सेलिब्रेट करने का रीज़न ये देते हैं अनुपमा की वजह से. सो या इट इज़ वेरी स्पेशल एंड इट इज़ स्पेशल बिकॉज ऑफ हिम एंड अनुपमा. बस खुशी इस बात की है कि आज खाली हम लोग नहीं, लाइक बर्थडे वॉज सिंपल अर्लियर, बट आज आई थिंक पूरा इंडिया इंटरनेशनली सब जानते हैं कि रूपाली का बर्थडे है एंड सो इट्स सेलिब्रेटेड. आई मीन पीपल एक्नॉलेज यू एंड डू दैट एंड आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. बस अच्छा लगता है कि जब बर्थडे होता है, आज रूपाली ने सारी यूनिट को बुलाया, सब साथ में केक काटे, तो अच्छा लगता है कि जब एक अपने स्पेशल डे में आप सबको इनकॉर्पोरेट करते हो. एंड आई ऑलवेज टेल रूपाली कि दैट ये जो शो अनुपमा है ये एक भगवान का वरदान है, ऊपर वाले खुदा का ये एक यू नो एक दुआ बरकत है हमारे ऊपर. तो इस पर जितना हम मेहनत करेंगे, जितने हम ग्राउंडेड रहेंगे, हेड ऑन आवर शोल्डर्स रहेंगे और यू नो वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू नो सक्सेस कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, बट वो जो एक ऑनेस्टी इंटेग्रिटी टूवर्ड्स वर्क है वो रूपाली ने फर्स्ट डे से रखी है एंड अभी तक है, कायम है पूरी टीम की. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई वी आर ब्लेस्ड एंड जस्ट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू एंड जस्ट डू दिस एंड फॉर बीइंग नॉट माय बट एवरीबडी इज अनुपमा आल्सो यू नो. तो एयर पे आने से पहले खाली इट वाज लाइक हमारी अनुपमा, अभी सारे सबकी अनुपमा है एंड डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड कनेक्टिंग विद एवरीबडी यू नो. सो आई थिंक ये एक ब्यूटिफुल जर्नी रही है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी 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 मोर बर्थडेज ऑन द सेट्स विद यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. एब्सोल्युटली. मैं पिछले साल भी इनकी बर्थडे में आया था और इस साल भी हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक राजन सर की गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अ यू नो कंप्लीट एक्टर. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम रूपाली जी और मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि रोने धोने के सीन्स में ना मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा 19 ही रहता था, लेकिन इनके साथ काम करके मुझे लग रहा है मैं 19.5 तक आ रहा हूँ. आपको रुला दिया, रुला दिया, काम करके रुला दिया आपको. लेकिन बहुत सीखा इनसे एंड आई एम रियली हैप्पी कि राजन सर गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि अभी भी मैंने देखा था इनकी बर्थडे पे लोगों ने स्ट्रेस को, डॉग्स को खाना खिलाया, कैटल को फीड किया, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और मैंने थोड़ा बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ इस पोजीशन पे हो के, दैट्स व्हाई लाइक राजन सर सेड कि अनुपमा शो तो अपने आप में अच्छा है ही, बट द एनर्जीज एंड द सिनर्जीज ऑन द सेट दे यू नो बॉटल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड. तो जब इनसे आता है उसके बाद फिर यहाँ से आता है, तो हम सब जितने बाकी लोग हैं हम सब भी वही अपनाते हैं एंड वी आल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज वैल्यूज एंड ऑल थैंक्स टू हर एंड हैप्पी बर्थडे रूपाली जी. ऐसी कैंडल्स बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं और हर बर्थडे में हम लोग यहां हूं. बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, मतलब रमेश जी जो इनको जन्म दिया है, हमारी मम्मी आइकॉन है, द मम्मी ऑफ द यूनिट. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. हमेशा खुश रहे जैसे पहले दिन आई थी, जैसे पहले दिन आई थी ये सेट पे, अभी भी उतनी सिंसियर, उतने ही ध्यान से सीन करना, उतनी ही नर्वसनेस होता है जब सीन करती है, ऐसे ही करती रहे और सालों साल चलाती रहे. एंड अगेन वन मोर विश फ्रॉम माय मदर हु इज अ को प्रोड्यूसर ऑफ अनुपमा. उन्होंने भी विश किया है दैट ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द थिंग्स टू रूपाली, जिन्होंने हर माँ को प्राउड किया है इंडिया में और विश्व भर में. एंड प्रतीक है ये आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमन का. सो ऑल द विशेस फ्रॉम ऑल द विमेन इन आवर. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. आपके इस बर्थडे में आपको ऐसा मोमेंट या कोई शख्स है जिसे आप याद कर रही हो मोमेंट में, इस बर्थडे में से कोई है? मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रहती है. आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन. तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली साथ में रहती है, बट देयर इज वन पर्सन आई मिस ऑल द टाइम एंड दैट्स माय डैड. सो मुझे ऐसा लगता है इस सेट पे आके कि पापा की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है. तो मैं जब इस सेट पे कदम रखती हूँ मुझे सच में ऐसा लगता है कि आई फील माय फादर्स प्रेजेंस अराउंड मी एंड सो आई मिस हिम ऑल द टाइम. पर मुझे ये सेट, वो इतना सारा प्यार मिलता है, 3 साल से इस यूनिट के साथ काम कर रही हूँ एंड आई थिंक
ये फैमिली बन जाती है क्योंकि आप 12-14 घंटे आप यहाँ पर रहते हो रोज, एंड 3 दिन छुट्टी भी दी थी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि डेली सोप है तो बिल्कुल मतलब मुझे मार ही देंगे यहाँ पर, बट हाँ मुझे छुट्टियाँ भी मिलती है लेकिन ज्यादातर समय बट या आई फील माई फादर्स प्रेजेंस हियर एंड दिस होल यूनिट गिव्स मी सो मच ऑफ लव, तो बस यही प्यार हमेशा मिलता रहे. लाइक ही वाज सेइंग देयर वर लॉट ऑफ पीपल, मैंने हमेशा यही कहा कि प्लीज़ मुझे गिफ्ट्स ना भेजें मेरे बर्थडेज पे, कोई भी स्पेशल ओकेजन में. फैंस बहुत सारी चीज़ें करते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटेड, इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि इतना कुछ करते हैं वो लोग, लेकिन मैं बस उन सबसे यही हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे गिफ्ट्स मत भेजिए. आप अपने आसपास कोई चैरिटी कर दीजिए, या फिर किसी गौशाला में जाके, या फिर कहीं एनिमल शेल्टर में जाके, या फिर कोई ओल्ड पीपल्स होम, एनी ऑर्फनेट, एनी वेयर, अपने घर में अपनी मम्मी के लिए कुछ खरीद दीजिए, अपने आसपास के स्ट्रेस, घर के आसपास के स्ट्रेस के लिए कुछ खाना डाल दीजिए, बिस्किट पैकेट्स डाल दीजिए. आई कीप आस्किंग देम टू डू दैट. और इस बर्थडे पर बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने ये किया. समबडी इज़ इवन अडॉप्टेड एन एलिफेंट इन कीनिया ऑन माई नेम एंड दिस इज़ द सेकेंड ईयर. So, you know, all these things, they've fed so many homeless animals, they've fed so many gaushala mein jaake khana khila hai, alag alag cheeze ki hai, to tehe dil se thank you so much ye sab karne ke liye, bas yahi, this is what makes me happy. And this, on this, I just want to add that Anil ji, Anil Ganguly, one of the most iconic, celebrated, a legend who made such beautiful, directed one of the most iconic, produced iconic films, you know. So I feel so happy that you know that you made him so proud, you know that of course everybody knows Anil ji, jinhone filme banayi hai, like brilliant films, Kora Kagaz, matlab endless, so many Saheb, so many films, and I think he's very proud because jaise I always say, just Anil ji jaise wo beautiful filme banate the, you know, like you can name few films which he did, like Tapasya, Kora Kagaz, Tapasya, Kam Kadam, Krishna Achal. So the the films he used to do now has the same flavor of Anupama. Yes. So that is why I always feel that it is like his blessings on us and you know his unka aashirwad hai. Hamesha rehte rahe. Thank you so much Raji. Thank you. Thank you. क्या बना सकते हैं? पिक्चर लेके बना सकते हैं रूपाली जी को लेके आप कोई पिक्चर. क्यों पेड़ पे लात मार रहा है यार, जब ये चलेगा 15-20 साल हो ना अनुपमा इनके साथ. सी हमारे लिए क्यों नहीं मेहनत करेंगे और चीज़ें मीडियम बनेंगे, बट आई रियली फील कि जो अनुपमा और जैसे हम शोज बनाते हैं बाकी टेलीविजन में, जो उसकी रीच है, जो उसका एक यू नो एक रीच, जो उसकी एक सर्टन है, आई थिंक वो इट्स लाइक डूइंग. एंड आप देखें हम हर दिन आधे घंटे का एपिसोड आता है 7 बार दिन हफ्ते में, इट्स लाइक डूइंग 2 फिल्म्स इन अ वीक. इतना हम वॉल्यूम देखिए, कितने घंटे का, हम लोग आधे घंटे का एपिसोड होता है और हम 7 बार आते हैं हफ्ते में एंड कंटिन्यूसली, सो इट्स एक्चुअली डूइंग 2 फिल्म्स एंड आई थिंक अनुपमा ही चले 40-50 साल, उसके बाद देखेंगे फिल्म.